नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ चाचा शिवपाल और भतीजी अखिलेश यादव की जोड़ी ने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी में नई जान फूंक दी है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद निकाय चुनाव के लिए कमर कस रही सपा को अन्य दल के नेताओं के साथ मिलना शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कई दलों के नेताओं ने जहां पार्टी कार्यालय पर सपा की सदस्यता ली, वहीं निकाय चुनाव के लिए आवेदन भी जमा किए गए। मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के समक्ष फूलपुर नगर पंचायत के बसपा नेता निखिल जायसवाल, वहीं सरफराज आलम उर्फ मंसूर भाई पार्टी की सदस्यता ली। सभी नेताओं ने कार्यालय पर लगी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। आज GST की छापेमारी से व्यापारियों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सरकार की लाख कोशिश के बाद भी सपा ने साइकिल चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे दल के नेता भी अब सपा की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। लोकपालिका का चुनाव पार्टी हमको जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करके देगी, हम उस पर अपनी 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। एजेंडा आपका क्या रहेगा? एजेंडा हमारा ये है कि जितनी भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये असुविधाएं फैली हुई हैं, जितनी ये गंदगी सब सभी जो मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान इससे हूँ, शायद इसी वजह से लोगों ने उत्साह बढ़ाकर पार्टी के लोगों ने कहा तो इस पर मैं बहुत आसानी से कन्विंस हो गया कि ये मुझे विधानसभा में जीत जाती है, लोकसभा जीत जाती है, लेकिन नगर पालिका चुनाव जो नहीं जीत पाती है, कैसे इस पे अलग से रणनीति बनेगी? पार्टी का उत्साह इस वक्त बहुत ही जोर शोर में है और मुझे भी बहुत ही इन लोगों ने बूस्ट किया है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की जितनी भी कुवत सलाहियतें हैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाने के बाद और इस बार किसी भी बुनियाद पे आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीत के ही दिखाया जाएगा। उपचुनाव में अभी जो धर्मेंद्र जी लड़े थे उसमें पार्टी के लोगों ने शाहआलम जमाली का बड़ी संख्या में समर्थन किया, ये चुनौती आपके लिए रहेगी कि ऐसा नहीं था? अगर वो इस तरीके की कोई बात होती तो नतीजे कुछ इर्द गिर्द नहीं होते, होता होगा कुछ समीकरण का कुछ खेल होगा, हमें नहीं पता इसका, लेकिन माइनॉरिटी ने ऐसा नहीं किया, ये मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल इस बात से लिए बिल्कुल हमें पूरा एतबार इस बात का और सभी लोगों के उत्साह से, सभी लोगों के सपोर्ट से ही ये फैसला लिया गया है। संगठन शायद हम पे विश्वास के लोग रहेंगे, सब वर्ग के लोग साथ में हमारे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।